दोस्तों, जानवर जब भी मुसीबत में फंसे होते हैं तो फिर ढेर सारा सरवाइव करने के बाद वो हम इंसानों से ही अपनी जान बचाने के लिए मदद मांगते हैं। और फिर आखिरकार हम इंसानों और जानवरों का रिश्ता भी काफी खास है और हम सभी इस धरती पर ही तो रहते हैं, इसी वजह से एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। और दोस्तों, इंटरनेट पर दुनिया भर से ऐसी कई वीडियो क्लिप सामने आती रहती हैं जहां पर जानवरों के इमोशंस बाहर आए और उन्होंने इंसानों से मदद मांगी। दोस्तों, सबसे पहले आप मिलिए खोपड़ी में गोली लगे हुए इस हाथी से, जिसे जंगल में घूम रहे कुछ शिकारियों ने शिकार बनाना चाहा, जिसकी वजह से उन्होंने इसके सर में गोली मार दी ताकि वो मर जाए। लेकिन खुशकिस्मती से वो हाथी बच गया और मदद की गुहार लगाते हुए जंगल से बाहर आया। और खोपड़ी में फंसी गोली ने इसे बहुत दर्द दिया, लेकिन फिर भी इस हाथी ने शांति से सीधे डॉक्टर से मदद मांगी। इसके बाद एक एक्सरे निकाला गया जिसमें उसकी खोपड़ी में एक विकृत गोली दिखाई दे रही थी, और फिर एक सर्जरी के द्वारा इस हाथी के सर से गोली को निकाल दिया गया, जिसके बाद हाथी से दुख दूर हुआ और वो एक पेड़ के पास जाकर वहां पर अपना सर रख कर आराम करने लगा। इसके बाद डॉक्टर्स ने इस हाथी को प्रिटी बॉय नाम दिया। इस डॉग ने 5 दिन तक कुछ नहीं खाया था और ये कूड़ेदान के पीछे छिपा बैठा रहा, लेकिन तभी एक लड़की की इस पर नजर पड़ी और उसने देखा ये तो अपने मालिक से भाग कर आया है। और अब तो इसके शरीर पर कई परजीवियों ने अपना बसेरा भी बना लिया था, जिसे देखकर लड़की इस कुत्ते को एक क्लिनिक में लाई और वहां कई घंटे लग गए इसके शरीर से सभी पैरासाइट्स को निकालने में। फिर बाद में इसे इंजेक्शन दिया गया और वो लड़की इस डॉग को अपने घर ले आई और फिर उसे नहलाया और अच्छा खाना भी दिया और फिर उसे एक प्यारा सा नाम दिया, जेसी। खैर, अब जेसी अपने नए मालिक के साथ काफी खुश है। और अब आप एक और मामले को देखिए, जहां पर एक कुतिया को एक डाउट था कि क्या उसे इन इंसानों से अपने भूखे बच्चों के लिए मदद मांगनी चाहिए। लेकिन फिर कुछ समय बाद उसने फैसला किया कि वो उन पर भरोसा कर सकती है, इसलिए उसने उन लोगों को अपने भूखे पिल्लों तक पहुंचाया जिनके पास उनकी मदद के बिना जीवित रहने का कोई और मौका नहीं था। शुरू में तो माँ अपने बच्चों की हिफाजत कर रही थी, जिससे बचाव दल का ध्यान भटक रहा था, इसलिए उन्होंने कुतिया को खाना देकर उसका ध्यान भटकाया और अंततः रेस्क्यूअर्स द्वारा पिल्लों को खाना दिया गया और उन्हें बचा लिया गया और उन्हें एक नया और सुरक्षित घर भी दिया गया। अब आप इस दिल को पिघला देने वाली वीडियो क्लिप को देखिए, जहां पर एक गिलहरी इंसानों से अपने प्यार को मिटाने के लिए पानी मांगते हुए दिखाई दी और फिर अपने प्यास को बुझाकर दिल से उस शख्स का शुक्रिया भी अदा किया। दोस्तों, गिलहरी बहुत ही समझदार और तेज तरार होती है और उनको नट्स खाना बहुत ही पसंद होते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो क्लिप में देख लीजिए कि एक गिलहरी कैसे वीडियो बना रही इन मोहतरमा के हाथ से नट्स हथियाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में दोस्तों, आप इस वीडियो क्लिप को भी देख लीजिए जहां पर गिलहरी वीडियो बना रहे इस शख्स के घर के पीछे अपने लिए खाना चुराने के लिए आती है। दरअसल वहां पर मूंगफली का एक दाना पड़ा हुआ था, लेकिन ये गिलहरी उस शख्स को देखकर चुराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। मगर बाद में इस शख्स ने आराम से अपने हाथ से मूंगफली को पकड़ा और फिर दबे पांव गिलहरी भी उसके हाथ से मूंगफली चुरा कर ले गई। दोस्तों, क्या आपको भी ये नटखट रोडेंट्स पसंद है? हमें कमेंट बॉक्स में बताना जरा। ये शार्क मछली पानी में बड़े ही दर्द के साथ घूम रही थी। दरअसल इसके शरीर पर एक तीर जैसी नुकीली चीज लगी हुई थी, जिसकी वजह से इसे काफी दर्द का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही इस शार्क ने इस डाइवर को देखा तो वह उससे मदद मांगने के लिए चली गई और इस डाइवर ने भी इसकी मदद की और इसके शरीर से इस नुकीली चीज को निकालकर इसे एक नया जीवन दिया। दोस्तों, ये कुत्ता कुलतार से सना हुआ था, सड़क पर पड़ा हुआ था, इंसानों से मदद की उम्मीद कर रहा था। कुत्ते की ऐसी हालत देखकर किसी ने एनिमल एड एंजो की इसकी जानकारी दी। एनिमल एड एंजो के कुछ लोग इस कुत्ते को लेने वहां पहुंचे। इस कुत्ते की हालत इतनी गंभीर थी कि ये चलना फिरना तो दूर की बात, किसी जगह पर हिल भी नहीं पा रहा था। यही नहीं, इस जगह से कुछ ही दूरी पर इस कुत्ते का भाई भी इसी हालत में मिला। एनिमल एड वाले इन्हें अपने साथ ले गए, इनका इलाज करना शुरू कर दिया। सबसे पहले पानी और तेल की मदद से इनके शरीर में चिपके कुलतार को छुटाया और इनकी सफाई भी अच्छे से की। इन्हें पेट भरकर खाना भी खिलाया गया।
लेकिन बाद में इनके अन्य भाई बहन भी सेम इसी कंडीशन में मिले। एनिमल एड द्वारा उन्हें भी रेस्क्यू कर लिया गया, इनका भी ट्रीटमेंट किया गया। कुछ ही दिनों तक ऐसे इनकी साफ सफाई करने के बाद ये अच्छे हो गए और अंत में इन्हें अपने परिवार भी मिल गए। 2013 के दौरान एक महिला टहलने के लिए गई, जहां उसने देखा कि एक हिरन काफी बुरी हालत में टहल रही थी। इसके सर में किसी बेवकूफ शिकारी ने तीर मार दिया था। महिला को देखते ही ये उसके पास आ गई और उसे मदद मांगने लगी, जिसके बाद इस महिला ने भी दरदली दिखाते हुए इसकी मदद की और इसके सिर से इस तीर को बड़े ही ध्यान से निकाला और इसकी अच्छे से देखभाल भी की, इसे खाना दिया, इसकी पट्टी की। जब तक यह ठीक नहीं हो गई तब तक इसे अपने पास रखा। बाद में इसे जंगल में छोड़ दिया गया। 200 भारत के एक गांव में किसी तरह यह कुत्ता कुएं में गिर गया, जिसकी वजह से यहां से निकल पाना काफी मुश्किल था। लोगों से यह मदद मांग रहा था। जब गांव के ही एक आदमी ने इस कुत्ते को कुएं में गिरा हुआ देखा तो उसने तुरंत एनिमल रेस्क्यू को खबर दी। गांव वालों के मुताबिक ये कुत्ता पिछले कई घंटों से इस कुएं में फंसा हुआ था। अब इसकी हिम्मत भी जवाब देने लगी थी, लेकिन तभी एनिमल एड टीम का एक सदस्य अपनी जान पर खेलकर रस्सी के जरिए कुएं में उतर गया और उसने इस कुत्ते को एक जाल के जरिए कुएं से बाहर निकाल दिया, इसकी जान बचा ली। हालांकि इतनी देर तक पानी में रहने के कारण इसके पंजे गलने शुरू हो गए, लेकिन सही समय पर ट्रीटमेंट मिलने की वजह से ये जल्द ही ठीक हो गया। आज ये कुत्ता बिल्कुल सही है, अपनी खुशहाल जिंदगी को जी रहा है। इस जंगली कौए को किसी पार्क पन ने अपने कांटे चुभा दिए, जिसकी वजह से ये काफी दर्द में था और इसने फैसला लिया कि वो इंसानों से मदद मांगेगा। फिर क्या था, इसने एक आदमी के पास आकर उससे मदद मांगी। इस आदमी ने भी इसकी मदद की और इसके कांटे को बाहर निकालने लगा। कड़ी मशक्कत और मेहनत के बाद ये आदमी इस कौए के शरीर से सभी कांटों को बाहर निकालने में सफल रहा। इस कौए को अपनी जिंदगी जीने का एक नया मौका मिल गया। दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिए, कैसे ये कुत्ता बुरी तरह से तार में फंस गया है, जो कि दिखने में काफी दर्दनाक लग रहा है। इस कुत्ते की कई कोशिशों के बावजूद भी ये इस तार से निकल नहीं पा रहा। ऐसा लग रहा है कि मानो इसका बच पाना नामुमकिन है। इस कुत्ते का पूरा शरीर पूरी तरह घायल हो चुका है। इसने इंसानों से मदद भी मांगी, लेकिन तभी एनिमल रेस्क्यू टीम को इस कुत्ते की खबर मिली। वह तुरंत इस कुत्ते को बचाने के लिए वहां पहुंच गए। तार में फंसे होने के कारण कुत्ता दर्द से बेहाल था। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने कुत्ते को तार से निकाला, बाद में इसकी अच्छे से मरहम पट्टी की और इसे नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको एनिमल रेस्क्यू की ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। नेक्स्ट पार्ट के लिए नीचे कमेंट में पार्ट नेक्स्ट जरूर लिखें। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ। ओके बाय।